नमस्कार, जीत क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम वीडियो स्पेशल और एलडीसी के लिए गणित के कुछ टॉपिक लेने जा रहे हैं। टॉपिक है परसेंटेज। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाने होते हैं। एक अभ्यर्थी ने 40 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक उसको लाने जरूरी है। माना 100 नंबर का एग्जाम था और उसमें 35% अंक लाना अनिवार्य था। 35% अंक उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक उसको लाना था। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले और वह 30 अंकों से फेल हो गया। 40 तो अंक उसने प्राप्त किए और वह 30 अंकों से फेल हो गया। 30 अंकों से फेल हो गया तो इनका हो जाएगा टोटल। यदि वह अभ्यर्थी 70 नंबर लाता तो वह उत्तीर्ण हो जाता। और उत्तीर्ण परसेंटेज कितने हैं? 35। 35 के बराबर 70, तो 35 के बराबर 70, तो 1 के बराबर हो जाएगा 70/35। 35 से 70 दो बार। फिर पूछा गया कि परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? हमने परीक्षा में अधिकतम अंक माने 100, 100 नंबर का एग्जाम था तो इंटू तो उसने परीक्षा में अधिकतम अंक कितने प्राप्त कर सकता है? 200 नंबर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक 40% है। परीक्षा का उत्तीर्ण अंक है 40%। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए तथा वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? परीक्षा के उत्तीर्ण अंक है 40% और एग्जाम था 100 नंबर का, और उसका उत्तीर्ण अंक है पास होने के लिए उसको 40% लाने हैं। और एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए। एक विद्यार्थी, उसने 185 अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से वह फेल हो गया। अगर वह 15 अंक और लाता तो वह उत्तीर्ण हो जाता। तो इसमें 15 प्लस करेंगे तो वह उत्तीर्ण अंक के बराबर हो जाएगा। अगर वह 200 नंबर लाता तो वह उत्तीर्ण हो जाएगा। 200 नंबर किसके बराबर है? 40% के बराबर। तो 1 के बराबर हो जाएगा 200/40। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 से 20 5वां। फिर इसमें पूछे गए परीक्षा के अधिकतम अंक कितने? अधिकतम अधिकतम वो, अगर 100 नंबर का एग्जाम होता है तो अधिकतम वो कितना अंक प्राप्त कर सकता है? 100 नंबर प्राप्त कर सकता है इंटू 100। तो एग्जाम कितने नंबर का था? 500 नंबर का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में लड़कियों और लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशतता क्रमशः 35% लड़कों के लड़कियों के लिए और 40% लड़कों के लिए था। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए और वह 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, तो लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक कितने थे? लड़के और लड़कियां के उत्तीर्णांक परसेंटेज है 35% लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए 40%। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए और वह 117 अंकों से फेल हो गया। अगर वह 117 अंक और लाता तो उसका उत्तीर्णांक 40% के बराबर पास हो जाता, तो 117 अंकों से वह फेल हो गया। तो 117 इसमें प्लस करते हैं 600 नंबर। अगर वह 600 नंबर उस एग्जाम में लाता तो वह 40% के बराबर उत्तीर्णांक हो जाता। तो 40 लड़कों का उत्तीर्णांक परसेंटेज दिया गया है 40 और लड़कियों का है 35। तो 600/40 और ज्ञात किसका करना है? लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक अंक कितने हैं? लड़कियों के लिए उत्तीर्णांक अंक का परसेंटेज दिया गया है 35%। तो इंटू 35
से 7 बार, 5 से 8 बार, 6 × 7 42, 00 बट्टा 8, 8 का भाग 5 बार गया, पीछे बचे 2, फिर 2 बार गया, पीछे बचे 4, फिर 5 बार। तो लड़कियों के उत्तीर्णांक अंक कितने थे? 525। यहाँ ऑप्शन नंबर 3 में 525, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए हैं तथा योग्य अभ्यर्थियों में से 85% परीक्षार्थी सामान्य वर्ग के थे। यदि 4,275 अभ्यर्थी अन्य वर्गों से थे तो कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया? तो कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया ये हमें पता नहीं है, तो मान दे एक्स अभ्यर्थियों ने आवेदन किया और इसमें से 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित कर दिए, 5% अयोग्य घोषित कर दिए, तो पीछे बचे एक्स के 95%, 95 बट्टा 100, 5 से 20 बार, 5 से 19 बार, तो 19x/20 ये योग्य योग्य अभ्यर्थी है। और फिर इसमें पूछा गया कि योग्य अभ्यर्थियों में से 85% योग्य अभ्यर्थी कितने थे? 95, और इसमें से 85% सामान्य वर्ग के थे। तो सामान्य वर्ग, यदि 4,275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों से, 95 में से 85% तो सामान्य वर्ग के थे, तो 15% वो अन्य वर्गों से थे, और अन्य वर्गों योग्य अभ्यर्थियों में से, तो योग्य अभ्यर्थी कितने हैं? 19x/20 और इनका 15%, 15 बट्टा 100, ये किन के बराबर हो जाएगा? 4,275 के बराबर हो जाएगा। 5 से 3 बार, फिर 20 बार, तो 19 × 3 हो जाएगा 57x/20 × 20, 20 × 20 400 बराबर हो जाएगा 4,275। यहाँ 400 भाग में, तो उधर जाएंगे तो गुणा में, और बट्टा 57, फिर 19 से 3 बार, 2 बार, पीछे बचे 4, 2 बार, फिर 5 बार, 225 × 400/3, 225 × 400/3, 3 से 7 बार, पीछे बचे 1, 5 बार, 75 × 4, 00, 5 × 4 20, 7 × 4 28, 28 और 2 30, तो योग्य अभ्यर्थी, तो इसमें आवेदन कितनों ने किया? 30,000, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परीक्षा में राम और श्याम ने क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% राम ने और 30% श्याम अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्त अंकों का योग है 783, तो परीक्षा में पूर्णांक कितने थे? पूर्णांक माना 100 नंबर का था और इसमें राम ने अधिकतम अंकों का 60% प्राप्त किया, 60, फिर श्याम ने उसका 30 प्राप्त किया, और उनका प्राप्त अंकों को योग दिया गया है दोनों का 783, और 60 और 30 कितने हो गए? 90, 90 के बराबर हो जाएंगे, 783/90, तो परीक्षा में पूर्णांक कितने थे? पूर्णांक 100, 10 से 10 कैंसिल, फिर बट्टा 9, 9 का भाग 8 बार, पीछे बचे 6, 7 बार, तो पूर्णांक कितने नंबर का था? 870 नंबर का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों में
10 अंक अधिक प्राप्त करता है तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं? एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके, 30% एक 100 नंबर का एग्जाम था और उसमें से एक ने 30% अंक प्राप्त किए, 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गया। 30% अंक उसने प्राप्त किए और वो 5 अंकों से फेल हो गया। अगर वो 5 अंक और लाता तो 30% उत्तीर्ण के बराबर पास हो जाता। आगे दिए गए एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है। एक अन्य विद्यार्थी जो 40% अंक प्राप्त करता है और आवश्यक न्यूनतम अंक में से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है, न्यूनतम अंक अंक से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है, पास होने के जो न्यूनतम अंक है उससे 10 अंक अधिक प्राप्त करता है, फिर है उत्तीर्ण उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं? तो यहाँ परसेंटेज में 30 और 40 का अंतर कितना है? परसेंटेज में तो 10 का अंतर है और संख्या में कितना अंतर है? 10 और यह पास होने के लिए 5 नंबर तो वो कम प्राप्त करता है और दूसरा है वो 10 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो यहाँ संख्या में अंतर कितना हो जाएगा? 15 का, फिर 1 के बराबर हो जाएगा 15/10 और टोटल एग्जाम कितने का था? 100 नंबर का इंटू 100, 1 0 से 1 तो पूर्णांक कितना था? 150 नंबर का। तो इसमें पूछा उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने? उत्तीर्ण होने के लिए यदि अगर वह 30% उत्तीर्ण अंक है, अगर वह 5 अंक और लाता तो वह पास हो जाता, तो उत्तीर्ण 150 का 30%, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 × 3 45, 45 नंबर, अगर 45 + 5 तो उत्तीर्ण का न्यूनतम अंक कितना है? 50, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए ताकि वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों के से 24 अंक अधिक है, तो उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए? 100 नंबर का एग्जाम था, फिर एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए, 30% अंक प्राप्त किए और वह 108 अंकों से 30% अंक उसने प्राप्त किए और 108 अंकों से वह फेल हो गया। अगर वह 108 अंक और प्राप्त कर लेता तो वह पास हो जाता। फिर दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए, दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए, वो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अधिक अंक अधिक थे, उत्तीर्ण होने के आवश्यक अंकों से 24 अधिक थे, तो उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए? उत्तीर्ण होने के लिए परसेंटेज में अंतर कितना है? प्रतिशत में अंतर कितना है? 22 का, और संख्या में अंतर कितना है? 108 तो उससे कम अंक प्राप्त किए और उसने उत्तीर्ण से 24 अंक अधिक प्राप्त किए, टोटल अंक हो जाए 132, 22 के बराबर हो जाएंगे 132, तो 1 के बराबर हो जाएंगे 132/22 और पूर्णांक कितना माना? 100, 22 का भाग 132 में 6 बार, तो पूर्णांक हो जाएगा 600। फिर इसमें उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करना, उत्तीर्ण के लिए 30% अंक लाने, 30/100, 6 × 3 18, 180, और उसने 108 अंक कम प्राप्त किए, प्लस 108 200, उत्तीर्ण के लिए उसने 288 अंक प्राप्त करने हैं। उस परसेंटेज में पूछा गया तो 288 अंक तो प्राप्त करने हैं और कितने में से करने हैं? पूर्णांक, पूर्णांक कितना है? 600, और प्रतिशत में ज्ञात करना है तो इंटू 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 का भाग 4 बार, 24 पीछे बचे 4 और 6 × 8 48, तो उसने 48
प्रतिशत अंक प्राप्त करने हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे, उसने 178 अंक प्राप्त किए और वह 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया, तो कुल पूर्णांक कितना था? कुल पूर्णांक 100 मानते हैं और एक छात्र ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% उत्तीर्ण के लिए उसको 40% अंक प्राप्त करने हैं और वह उसने 178 अंक प्राप्त किए, एक सौ उत्तीर्ण के लिए उसको 40% तो अंक लाने हैं और उसने प्राप्त किए 178 और वह 22 अंकों से अनुत्तीर्ण, 22 अंक अगर और ले आता तो वो पास हो जाता, उत्तीर्ण के बराबर हो जाता, तो कितने अंकों से फेल हो गया? 22 अंकों से। तो +22 200% में उत्तीर्ण कितने हैं? 40, 40 के बराबर 200, तो 1 के बराबर हो जाएगा, 200/40। और पूर्णांक याद करना है, हमने पूर्णांक कितना माना? 100, तो इंटू 100, 10 से 10 कैंसिल, 4 से 20 5 बार, तो टोटल एग्जाम कितने अंक का था? 500 अंक का था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए, उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में क्रमशः 81%, 66% तथा 61% अंक मिले, चौथे विषय में उसे कितने अंक मिले? टोटल तो उसको 70% अंक मिले और 4 विषय में मिले, 3 विषय में तो उसे पहले में 81%, दूसरे में 66% और तीसरे में 61% अंक मिले, तो इसमें पूछा गया चौथे विषय में कितना मिला और औसत दिया गया कि 70% अंक मिले और ये अंक मिले 100 में से। फिर एक विषय में 81 मिले, दूसरे में मिले 66% और तीसरे में मिले 61 और चौथे में ज्ञात करना है, और संख्या टोटल कितनी है? 4 और दिया गया है, औसत कितना दिया गया है? 70%, फिर 81, 66 और 61, 80 और 60, 140, 140 और 200, 200 और 6, 206 और 1 या 7 और 1 8, 208 +x = यहाँ 4 भाग में है, बराबर के उधर जाएंगे तो गुणा में, 70 × 4 280, तो x बराबर हो जाएगा 280 - 208, तो x बराबर हो जाएगा 72%, तो उसको चौथे विषय में 72% अंक मिले, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे हैं, इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे? एग्जाम था उसमें 900 तो लड़कियां थी और लड़के कितने थे? 1100। फिर इनमें से 40% लड़कियां और 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, तो फिर 900 का 40% तो लड़कियां उत्तीर्ण हुई और 1100 का 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, 900 का 40% हो जाएगा 360, तो लड़कियां उत्तीर्ण हुई और 1100 का 50% हो जाएगा 550, ये भी लड़के उत्तीर्ण हुए। और इसमें पूछा गया कि अनुत्तीर्ण कितने प्रतिशत रहे? 900 में से 360 तो उत्तीर्ण हुए, तो पीछे बचे 540, 540 लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई और 550 लड़के उत्तीर्ण हुए, तो इनका टोटल हो जाएगा 1090
और टोटल विद्यार्थी कितने थे? 900 तो लड़कियां थी और 1100 लड़के थे, टोटल हो जाएंगे 2000। और प्रतिशत में ज्ञात करना, इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो 109/2 हो जाएगा। फिर 5 बार भाग गया, फिर 4 बार, 54.5%, 54.5%, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 70% गणित में उत्तीर्ण हुए, यदि 20% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे तो 2500 विद्यार्थियों दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है? सब्जेक्ट इंग्लिश और गणित, फिर 70%, 60% अंग्रेजी में और 70% गणित में उत्तीर्ण हुए, पास हुए। 60% तो अंग्रेजी में और 70% गणित में उत्तीर्ण हुए, 100 में से 60 उत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण कितने हो गए? 40%। फिर इसमें मैथ में 70% उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण कितने हुए? 30%। और यदि 20% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, 20% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, 20% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, और इंग्लिश और मैथ, इंग्लिश में कितने अनुत्तीर्ण हुए? 40%, तो 20 और 20 40 हो गए। फिर मैथ में 30% अनुत्तीर्ण हुए, तो 20 तो और 30, 20 10 20 और 20, 40 और 50, 50% तो अनुत्तीर्ण हुए, 100 में से 50% अनुत्तीर्ण हुए, तो 50% ही उत्तीर्ण हुए। और उत्तीर्ण संख्या में कितने दिए गए हैं? 2500, तो 50 के बराबर, 2500/50, तो पूछा गया कि कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है। कुल परीक्षार्थी हमने कितने माने हैं? 100 माने, तो इनटू 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 5 से 25, 5 बार, तो कुल परीक्षार्थी कितने थे? 5000, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में 46 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है? कुल अभ्यर्थी 100, और इसमें गणित में 42% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए और अंग्रेजी में 52% अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुए। और फिर यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, 17% दोनों 17 बीच में रखेंगे, और मैथ और इंग्लिश, मैथ में टोटल कितने हैं? 42% अनुत्तीर्ण हुए, तो 42 में 17 गए, पीछे बचे 25। फिर अंग्रेजी में 52% अभ्यर्थी फेल हुए, तो 52 में 17 गए, पीछे बचे 35, 35 35 और 20, 50, 50 और 10, 60, 60 और 70, 70 और 60, 77, तो टोटल 100 में से 77% अभ्यर्थी फेल हुए, तो पास कितने हुए? पास हुए 23, 23 के बराबर 46, 1 के बराबर 46/23, टोटल अभ्यर्थी कितने माने? इंटू 100, 23 का भाग 2 बार, तो टोटल अभ्यर्थी कितने हो जाएंगे? 200, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परीक्षा में 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित विषय चुना, यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में
से कम एक विषय चुना हो तो 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय चुना हो तो कक्षा में कुल कितने अभ्यर्थी हैं? 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय चुना है, जीव विज्ञान 72% विद्यार्थियों ने और गणित 44% विद्यार्थियों ने, और 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय चुने, 40 विद्यार्थियों ने तो 72 और 44 कितने हुए? 70 और 40 हो गए 110, 110 और 4 114, 114 और 2 116, 116 तो 100 अभ्यर्थी ने 116, तो अंतर कितना आएगा? 16 का प्रतिशत में 16 का अंतर, और वास्तविक संख्या में कितना है? 40 के बराबर है, 40/16। और कक्षा में कुल कितने अभ्यर्थी, अभ्यर्थी कितने हैं इंटू 100 से गुणा करेंगे, 4 बार 4 से 25 बार, तो कक्षा में टोटल कितने अभ्यर्थी हैं? 250, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में 3 सेक्शन है जिसमें क्रमशः 40, 50 और 60 छात्र हैं, इनमें से 10%, 20% तथा 10% उत्तीर्ण हुए तो पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? 40, 50 और 60 विद्यार्थी है, 3 सेक्शन है। दस प्रतिशत उत्तीर्ण हुए, 40 का 10%, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 विद्यार्थी 40 में से उत्तीर्ण हुए। फिर सेक्शन बी में 20%, 50 का 20%, 10 विद्यार्थी सेक्शन बी में उत्तीर्ण हुए। फिर 60 का 10% उत्तीर्ण हुए, 2 जीरो से 2 जीरो, 60 में से 6 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। तो इसमें पूछा गया पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? पूरी कक्षा में 10 और 6 16, और 16 और 4 20, 20 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, और टोटल विद्यार्थी कितने थे? 50 और 40 90, 90 और 10 100, और 50 150 विद्यार्थी में से 20 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। और प्रतिशत में ज्ञात करना तो इंटू 100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, फिर 200/15, 15 का भाग 1 बार पीछे बचे 5, 3 बार 5/15, 13 से 5/15, तो इसको लिखते हैं 13 से 1/3 प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 75 खिलौनों के मूल्य में प्रति खिलौना 20% की वृद्धि किए जाने पर इनकी बिक्री की संख्या में 15% कमी हो गई तो खिलौने में बिक्री मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ? खिलौने के मूल्य में प्रति खिलौना 20% की वृद्धि, पहले खिलौना का मूल्य था 100 रुपये, फिर 100 पे 20% की वृद्धि हो जाएगी 120, 120 की वृद्धि, फिर इनकी बिक्री पर 15% की कमी हो जाए, बिक्री पर 15% की कमी तो 85/100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 से 10 5 बार, 2 से 6 बार, 5 से पीछे से 1 बार, फिर 17, 17 × 6 102, तो इसमें 2% की वृद्धि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, और 5% खाद्यान्न पर, और 15% यात्रा पर, और 10% कपड़ों पर खर्च करता है, तो 27,000 रुपये की बचत करता है, तो अजय की मासिक आय कितनी है? 25% घर पर खर्च करता है, 5% खाद्यान्न पर, 15% यात्रा पर, और 10% कपड़ों पर खर्च करता है। 25 और 5 कितने हो गए? 30, 30 और 15 45, 45 और 10 कितने हो गए? 55, 100 में से 55% तो वो
करता है तो पीछे बचे 45 रुपए की बचत करता है 45% की, और रुपए में कितना दिया गया है 27,000 बट्टा 45। फिर उसकी मासिक आय कितनी, आय हमने कितने मानी 100, 3 से 9 बार, 3 से 15 बार, पांच से 3 बार, 5 से 20 बार, फिर 9 × 2 = 18, फिर 1, 2, 3 और 4 0, 1, 2, 3 और 4 0 बट्टा 3, 3 से 18 6 बार, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौस्तल के मासिक वेतन का 12% नंदिनी के मासिक वेतन के 16% के समान है। कौस्तल के मासिक वेतन का, कौस्तल के मासिक वेतन का 12%, नंदिनी के मासिक वेतन का 16%, नंदिनी के मासिक वेतन का 16%, ये दोनों क्या है, आपस में समान है। परसेंटेज हटा तो बट्टा 100% हटा तो 100 बराबर में, तो 100 से 100 कैसे, 4 से 12 3 बार, 4 से 16 4 बार, 3 के बराबर 4n, तो k बट्टा n बराबर 4/3 हो जाएगा। फिर सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है। सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का आधा, नंदिनी का वेतन 2 तो सुरेश का वेतन हो जाएगा 1। फिर अनुपात रखते हैं, कौशल, नंदिनी और सुरेश। कौशल का अनुपात है 3, नंदिनी का, कौशल का अनुपात है 4, नंदिनी का 3, और यहाँ नंदिनी कितना कितना है 2:1, तो इसको इस अनुपात से गुणा, इसको इससे और इसको इससे गुणा करेंगे, 4 × 2 = 8, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, अनुपात कितना हो जाएगा 8:6:3। और सुरेश का वार्षिक वेतन कितना दिया गया है, सुरेश का वार्षिक वेतन दिया गया है 1.08 लाख, तो यहाँ सुरेश का वेतन कितना है 3, 3 के बराबर हो जाएगा। एक के बराबर हो जाएगा, और किस ज्ञात किसका करना है, कौशल का, कौशल का कितना है अनुपात में 8, 3 का भाग, 3 बार पीछे बचा 1 = 36, ये बार वेतन वार्षिक है तो मासिक में आ जाएगी, तो 12 का भाग देंगे 12 से 36, 3 बार 8 × 3 = 24, 24,000 कौशल का मासिक वेतन कितना होगा 24,000, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37.1/2% की वृद्धि होती है, तो उसकी आय में 16.2/3% की वृद्धि होती है, तो उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी है। आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। वह अपनी आय का 80% खर्च करता है, आय मान लेते हैं 100, 100 का 80% 80 होता है, 80 खर्च करता है तो बचा था कितना है 20। फिर खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37.5 की वृद्धि हो जाती है। पहले खर्च कितना था 80, और 80 पे 37.5 की वृद्धि हो जाती है, तो 80 × 80 100% है पूरा, तो 137.5/100 की वृद्धि हो जाती है। फिर उसकी आय में 16.2/3% की वृद्धि होती है, उसकी आय में, आय पहले कितने थी 100,
इस पे 16 से 2/3% की वृद्धि हो जाती है, तो 116 से 2/3, तो इस बचत कितनी है? पॉइंट हटा 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 25 से 4 बार, फिर 25 से 5 बार, पीछे बचे 12, फिर 5 बार, 8 से 2 बार, तो 55 × 2 कितने हो जाएगी? 110। पूछे गए उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी है? आय है उसकी 116 सही दो, आय कितनी है? 116 सही 2/3, और उसका खर्च कितना है? 110, तो उसकी बचत हो जाएगी 116 सही 2/3 माइनस 110, तो उसकी बचत हो जाएगी 6 सही 2/3, 6 × 3 18, 18 और 2 20, तो उसकी बचत हो जाएगी 20/3, तो उसकी वर्तमान बचत कितनी है? 20/3, फिर आय कितनी है? 116 × 3 हो जाएगा 248, 248 और 2, उसकी आय कितनी है? 116 सही 2/3%, 116 × 3 348, 348 और 2 350, 350/3, तो आय हो जाएगी 350/3, और प्रतिशत में ज्ञात करना, तो इंटू 100, 3 से 3 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर 200/35, 5 से 7 बार, 5 से 4 बार, 40/7, 7 का बार 5 बार, 35 पीछे बचे 5, 5 से 5/7% उसकी वर्तमान में बचत है, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर और शेष का 15% पुस्तकों पर और शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास 9,520 रुपये बचते हैं, तो उसकी मासिक आय कितनी है? मासिक आय का 20% घरेलू आवश्यकताओं पर, तो उसकी मासिक आय मानते हैं 100, 100 का 20% वह घरेलू आय पर खर्च करता है, 100 का 20% 20 खर्च कर दे तो पीछे बचे 80, फिर वह शेष का 15% पुस्तकों पर, शेष कितने बचे? 80, 80 का 15%, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, 2 से 4 बार, 4 × 3 12, फिर 80 का 80 से इसका 12, 80 में से 12 12 रुपए तो उसने पुस्तकों पर खर्च कर दिए, तो 80 में से 12 गए, पीछे बचे 68, फिर शेष का 30% कपड़ों पर खर्च करता है, शेष कितने बचे? 68, इसका 30% कपड़ों पर खर्च करता है, 1 0 से 68 × 3 204, 204/10 20.40, 68 में से 20.40 रुपये वह कपड़ों पर खर्च करता है और उसके पास 9,520 रुपये बचते हैं, तो 68 में से 20.40 निकाले तो पीछे बचे 47.60 रुपए की बचत होती है, और रुपए में कितने दिए गए? 9,520, तो एक के बराबर हो जाएगा 47.60 इंटू, और उसकी मासिक आय ज्ञात करनी, आय कितनी मानी है? 100, तो पॉइंट हटा 2 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर 9,552/476 इंटू 476 2 बार, 20,000 उसकी मासिक आय हो जाएगी, 20,000, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नताशा ने अपनी मासिक आय का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया। उसकी आय का 45% उसने खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया और 11,475 रुपये खर्च करने के बाद उसे पता चला कि वह धन उसके द्वारा खर्च किए जाने वाली राशि का 60% ही था। तो नताशा का वेतन कितना था? उसने 45% खर्च करने का निर्णय लिया और उससे पता चला कि खर्च करने के बाद उसके धन का खर्च करने वाली राशि का 60% ही था। तो 45 का 60% 11,475 रुपये के बराबर होगा 11,475। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से 45 9 बार और 5 से 2 बार 2 से 6 3 बार 9 × 3 कितने हो जाएंगे? 27। 27 के बराबर हो जाए 11,475 बट्टा 27 इंटू, और मासिक आय ज्ञात करनी है। आय कितनी मानी? 100। 3 से 27 9 बार, फिर 3 बार 9, पीछे बचे 2 8 24, फिर 2 बार पीछे बचे 1, फिर 9 का भाग 8, इसमें 9 4 36, पीछे बचे 2 18, 2 बार 18 4, फिर 5 बार और 00। 42,000 500। तो नताशा का वेतन कितना? 42,500। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपने पत्नी को दे दिया, शेष धन का आधा भाग अपनी पुत्री को दे दिया तथा बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों को बराबर बराबर बांट दिया। यदि प्रत्येक प्रत्येक लड़के को 14,000 मिले तो उसके पास कुल कितना धन था? तो माना मिस्टर अग्रवाल के पास 100 रुपये का धन था और अपने धन का 30% अपनी पत्नी को दे दिया। 100 का 30% धन उसने अपनी पत्नी को दे दिया तथा शेष धन का आधा 100 में से 30% अपने पत्नी को दे दिया तो पीछे बचे 70 और शेष धन का आधा 70 का आधा 35 और 35, शेष का आधा अपनी पुत्री को दे दिया। शेष का आधा आधा कितना? 35 उसने अपनी पुत्री को दे दिया तो पीछे बचा 35, फिर बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों में बराबर बांट दिया। बच्चे धन कितना? 35 को 5 पुत्रों को, 5 पुत्रों को बराबर धन में बांट दिया। लड़के को 14,000 रुपये मिले, प्रत्येक लड़के को, एक लड़के को 14,000 रुपये मिले और लड़के कितने थे? 5, 14 × 5 बराबर हो जाएंगे 70,000। फिर इसको पूछा उसके पास कुल कितना धन था? तो 5 पुत्रों के पास 70,000 रुपये, फिर टोटल धन कितना था? 35 के बराबर 70,000, एक के बराबर 70,000 बटा 35, तो कुल धन ज्ञात करें। कुल धन हमने कितना माना? 100 × 100, 35 से 2 बार टोटल हो गए 2 लाख। दो लाख रुपए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यालय में छात्रों का 1/5 भाग तथा छात्रों का 1/4 भाग 12 वर्ष से कम आयु के हैं। यदि विद्यालय में कुल 1,000 विद्यार्थी हो तो इनका 2/5 भाग छात्राएं हो तो 12 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं? विद्यालय में कुल छात्र कितने हैं? 1,000। कुल छात्र कितने हैं? 1,000। फिर बोला गया है कुल 1,000 विद्यार्थी हो, इसका 2/5 भाग छात्राएं हैं।
1000 का 2/5, 5 से 2 बार 2 × 2 400, तो 1000 में 400 तो है छात्र, है मतलब लड़कियां, तो पीछे बचे 1000 में से 600, 600 है उसमें लड़के, फिर छात्राओं का 1/5 तथा छात्रों का 1/4 12 वर्ष से कम आयु के हैं। छात्राओं का 1/5, छात्राओं 400 का 1/5 हो जाएगा 80, ये 12 वर्ष से कम आयु के हैं। फिर छात्रों का 1/4, छात्रों कितना है 600, इसका 1/4, एक बार पीछे बचे 2, 5 बार 150, ये 12 वर्ष से कम आयु के हैं। तो पूछे गया कि तो 12 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं, 400 तो लड़कियां हैं इसमें, फिर 80 इसमें 12 वर्ष से कम आयु की हैं, तो 320 हो जाएंगी 12 वर्ष से अधिक आयु की। फिर 600 में 600 लड़के हैं, इसमें से 150 लड़के 12 वर्ष से कम आयु के हैं, तो 600 में से 150 गए, तो पीछे बचे 450, 450 लड़के 12 वर्ष से अधिक आयु के हैं, तो पूछे गए इनका प्रतिशत कितना है, 450 और 300 हो गए 750, 750 और 20, 770, फिर टोटल कितने लड़के हैं 1000, प्रतिशत में ज्ञात करना, तो इनटू 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 से 1 0 कैंसिल, फिर टोटल कितने 12 वर्ष से अधिक आयु के हैं, 77%, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ए की आय का 10%, बी की आय का 15%, सी की आय का 20%, तीनों आपस में बराबर हैं। यदि ए बी तथा सी की कुल आय का योग 78,000 रुपये है, तो बी की आय कितनी है? ए की आय का 10% होता है 10/100, फिर बराबर किसके हैं? बी की आय के 15% के बराबर हैं। बी की आय के 15%, बी की आय 15/100, फिर बराबर किसके हैं? सी की आय के 20% के, ये तीनों आपस में बराबर हैं, बराबर सी की आय के 20% बट्टा 100, ये तीनों ए बी सी बराबर में है, तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 10 5 बार, फिर 5 से 3 बार, फिर 20 बार, फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर तो पीछे बचे ए बट्टा 10 बराबर बी बट्टा 20/3, फिर हो जाएगा सी बट्टा 5, तो 10 अनुपात 20/3 अनुपात 5, और इनका टोटल दिया गया है 78,000 रुपये। अनुपात को सोल्व करते हैं तो इनका एलसीएम आएगा 3, कुछ नहीं तो बट्टे में 1 होगा, 1 का 3 बार 3 × 10 30 हो जाएगा, फिर 3 का भाग 3 में 1 बार, फिर 1 × 20 20, फिर 3 का भाग 1 का भाग 3 में 3 बार, फिर 3 × 5 15, फिर 30 अनुपात 20 अनुपात 15, 30 अनुपात 20 अनुपात 15, इन तीनों में 5 का भाग जाता है, तो 5 से सरल करते हैं, 5 का भाग 30 में 6 बार, 4 में 20 बार, फिर 15 में 3 बार, तो अनुपात हो जाएगा 6 4 3, अनुपातों में उनकी आय है 6 अनुपात 4 अनुपात 3, फिर उनकी आय का योग दिया गया है 78,000, तो इनका योग अनुपात में योग हो जाएगा 6 और 4 10, 10 और 3 13, फिर अनुपात में 13 के बराबर संख्या हो जाएगी 78,000, तो
बट्टा में एक के बराबर हो जाए, इटे तजर बट्टा तेरा। फिर इसमें पूछा गया कि बी की आय कितनी है, या ये ए की है, ये बी की है और ये सी की है। तो सी की आय ज्ञात करनी है तो 4 से गुणा करेंगे, इंटू 4, 13 से 6 बार, 6 इंटू 4 24। तो बी की आय हो जाएगी 24,000 रुपये, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन ने अपनी कुल संपत्ति को अपनी पत्नी, 3 पुत्रों, 2 पुत्रियां और 5 नाती नातिनों में इस प्रकार वितरित की कि प्रत्येक नाती नातिन को उसके पुत्र का 1/8 भाग तथा प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग मिले। उसकी पत्नी को उसके पुत्रों और पुत्रियों के कुल भाग का 40% मिले। यदि प्रत्येक पुत्री को 1,25,000 रुपये मिले तो उसकी पत्नी और 3 नाती नातिनों को कुल कितना धन मिला? प्रत्येक पुत्री को, एक पुत्री को कितना धन मिला? 1,25,000 रुपये। फिर इसमें दिए गए प्रत्येक नाते नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 और प्रत्येक पुत्री का 1/10 मिले। प्रत्येक तो 1,25,000 का 1/10 हो जाएगा 12,500। ये प्रत्येक नाती नातिन को, एक नाती नातिन को मिलता है तथा पुत्र का 1/8 भाग मिलता है। तो इसका 8 गुना करेंगे तो वो पुत्र, एक पुत्र का हो जाएगा 40, 4, 8 × 2 16 और 4 20, 2 8 और 2 10। तो एक पुत्र को मिलेंगे 1 लाख। तो इसमें 3 पुत्र हैं, 3 पुत्र को मिल जाएंगे 3 लाख। 1 लाख × 3 तो 3 पुत्र को मिल जाएंगे 3 लाख। फिर एक नातिन को मिलेंगे 12,500। तो इसमें 3 नाती नातिन का पूछा गया है तो इंटू 3 करेंगे, 12,500 × 3, 6 और 1 7, 37,500 तीन नाती नातिन को। फिर इसमें उसकी पत्नी को उसके पुत्रों और पुत्रियों के कुल भाग का 40%, एक पुत्री को मिलते हैं 1,25,000 और 2 पुत्री हैं तो 1,25,000 को 2 से गुणा करेंगे तो 2,25,000 मिलेंगे 2 पुत्रियों को और 3 पुत्र को मिलेंगे 3 लाख रुपए। तो उसकी पत्नी को पुत्रों और पुत्रियों के योग का 40% मिलता है तो 3 पुत्र को मिलेंगे 3 लाख और 2 पुत्रियों को मिलेंगे 2,50,000। तो इनका टोटल हो जाएगा 5,50,000। इधर पुत्र और पुत्रियों को मिलते हैं और पत्नी को इस धन का 40% मिलता है तो × 40 2,20,000 रुपये उसकी पत्नी को मिलते हैं और 3 नातिनों को मिलता है 37,500। तो 2,20,000 उसकी पत्नी को और 37,500 रुपये उसके 3 नातिन को मिलता है। तो पूछा गया कि उसकी पत्नी और 3 नातिनों को कुल कितना धन मिलेगा? तो इसको 25,75,00, 2,57,500 रुपये मिलेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कॉलेज के सभी छात्रों में से 12% छात्रों की रुचि खेलों में है, कुल छात्रों के 10% की रुचि गायन में है, कुल छात्रों के 3/4 की रुचि नृत्य में है और शेष 15 छात्रों की रुचि किसी गतिविधि में नहीं है। तो कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं? 12% छात्रों की रुचि खेल में और 10% छात्रों की रुचि है गायन में।
12 और 10 हो गए 22, फिर 3 चौथाई होता है 75%, 75 और 10 85 और 10 95 और 2 97, तो पीछे बचे 100 में से 97 की रुचि तो किसी गतिविधि में, तो 3 की रुचि किसी भी गतिविधि में नहीं है, तो 3 के बराबर हो जाएंगे। संख्या में कितने दिए गए हैं, 15 छात्र, तो 1 के बराबर हो जाएगा 15/3, और कुल छात्र पूछे गए कुल 100 माने तो 100 से गुणा करें 3 से, 5 बार 5 × 100, 500 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मेले में किसी दिन 35,000 दर्शक पहुंचे तथा उनसे 9,50,000 रुपये प्रवेश राशि प्राप्त की गई। यदि प्रवेश शुल्क वयस्क के लिए 40 रुपये तथा बच्चों के लिए 20 रुपये हो तो 10% दर्शकों को निःशुल्क पास मिला हो तो कितने, तो मेले में कितने बच्चे थे? 35,000 मेले में दर्शक पहुंचे, 35,000 दर्शक में से 10% दर्शकों को निःशुल्क पास मिला, 35,000 का 10% निकाल लेते हैं, तो 3,500, 35,000 दर्शक में से 3,500 दर्शकों को निःशुल्क पास मिला, तो 35,000 3,500 माइनस करते हैं, पीछे बचे 31,500, दर्शक में से कुछ वयस्क थे और कुछ बच्चे थे, तो इसमें कुछ बच्चे कितने हैं, तो बच्चे मान लेते एक्स है और बच्चों के लिए 20 शुल्क प्रवेश शुल्क था 20 रुपये, एक्स बच्चे थे उनके लिए प्रवेश शुल्क था 20, तो 20x हो जाएंगे, एक्स तो उसमें बच्चे थे मेले में, और वेस कितने हो जाएंगे, 31,500 माइनस एक्स हो जाएंगे, और वेस के लिए शुल्क प्रवेश शुल्क था 40 रुपये, 40 हो जाएगा, फिर इनका प्रवेश शुल्क प्राप्त की गई टोटल राशि कितनी है, 9,50,000 के बराबर है, फिर 20x प्लस 40, 31,500 माइनस एक्स, ये किन के बराबर है, टोटल राशि, टोटल राशि है 9,50,000। बीस एक्स प्लस 40 को 31,500 से गुणा करेंगे, 4 × 5 20, 2 4 और 2 6, 4 × 3 12, माइनस 40 × x, 40x बराबर 9,50,000, फिर 40 यहाँ माइनस के बराबर के उधर जाएंगे तो प्लस के 40x, यहाँ 20x प्लस के हैं बराबर के उधर जाएंगे तो माइनस के, 40x माइनस 20x बराबर 126 माइनस 9,50,000, 9,50,000, 40x में से 20x के पीछे बचे 20x, 40x में से 20x के पीछे बचे 20x, तो यह बच के 31,000, 3,10,000, तो x बराबर हो जाएंगे 3,10,000/20, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 का 1 बार, पीछे बचे 1, 5, तो इस मेले में कुल बच्चे कितने थे, 15,000, 15,500, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्यालय में
लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में, यदि 20% लड़के और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हो तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है? लड़के और लड़कियों का अनुपात है 3:2, इसमें 20% लड़के और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हैं। 300, 200 मान लेते हैं, फिर 300 का 20% लड़के छात्रवृत्ति लेते हैं, 300 का 20%, 20/100, 3 × 2 60, 60, 300 में से 60 लड़के छात्रवृत्ति लेने वाले हैं। फिर लड़कियों 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले, 200 का 30%, 30/100, 60, 200 में से 60 लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो उसमें पूछा गया तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों की 300 में से 60 को छात्रवृत्ति मिलती है, तो 240 लड़के को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। फिर 200 में से 60 लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो 140 को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, और 240 और 240 लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, और 140 लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। 240 और 140 इनका टोटल हो जाएगा 380, और टोटल छात्र कितने हैं? 300 और 200, 500, और प्रतिशत में ज्ञात करना, तो 5 का बाद 7 बार, पीछे बचे 3, फिर 6 बार, तो 76% विद्यार्थी को छात्रवृत्ति नहीं मिली, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परिवार के चावल मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाले वे 12:17:3 के अनुपात में है, इन वस्तुओं के मूल्य में 20%, 30% और 50% की वृद्धि हो जाती है, तो परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय के कुल कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी? वह है 12:17:3, इसमें 20% की वृद्धि, 12 पे 20% की वृद्धि हो जाएगी, 120/100, फिर 17 पे 30% की वृद्धि, तो 130/100, फिर 3 पे 50% की वृद्धि, 150/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से, फिर 12 × 12, 144/10 प्लस 13 × 17, 221/10 प्लस 15 × 3, 45/10, 144, 221 और 45, इनका टोटल हो जाएगा 410/10, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 41, 41%, पहले कितनी 17 और 3 20, 20 और 10 30 और 2 32, पहले इनका टोटल योग था 32, 32 से अब 41 हो गए, तो वृद्धि कितने की? 32 से 41 माइनस 32/32% में ज्ञात करना, तो तो 9/32 इंटू, तो 4 से 8 बार, 4 से 25 बार, 4 से 25 बार, 25 × 9, 225/8, 8 का भाग 2 बार, 16, पीछे बचे 6 8 64, 28 से 1/8% की वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ए की आय का 5% बराबर है बी की आय के 15% तथा बी की आय का 10% बराबर है सी की आय का 20% तथा इनका आय दी गई है 8,000 रुपये, तो तीनों की कुल आय कितनी है? तथा बी की आय है 8,000 रुपये, तो इन तीनों की कुल आय कितनी है? ए की आय का 5%, 5/100 बराबर है बी की आय का 15%, बी की आय का 15% बराबर में, तो 100 से 100 कैंसिल, 5 से 15 3 बार, तो ए बराबर 3 बी, तो ए बट्टा बी हो जाएगा 3/1। फिर आगे दिए गए हैं बी की आय का 10%, सी की आय का 20% के बराबर है। बी की आय का 10%, 10/100 बराबर है सी की आय के 20% के बराबर है, 100 से 100 कैंसिल, 1 0 से 1 0, बी बराबर 2 सी, तो बी बटा सी हो जाएगा 2/1। फिर ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी है 3:1 और बी अनुपात सी है 2:1। 3 × 2 6, 2 × 1 2, फिर 1 × 1 1। फिर इसमें दी गई है बी की आय 8,000 रुपये है, बी की यहाँ बी की आय कितनी है? 2, 2 के बराबर है 8,000 रुपये बट्टा 2, और ज्ञात किसकी करनी? तीनों की कुल आय, तीनों की कुल आय बी की आय दी गई है 8,000, 8,000 बट 2, बी का मान है 2, तो तीनों की टोटल आय ज्ञात करनी है, तीनों का योग होता है 6 और 2 8, 8 और 1 9, तो 9 से गुणा करेंगे, फिर 4,000 × 9, 9 × 4 36, तो तीनों की टोटल आय हो जाएगी 36,000 रुपये, और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक MRI मशीन का मूल्य 1 करोड़ रुपए है, विक्रेता कंपनी इस पर 5% छूट देती है, तो छूट की राशि कितनी प्रतिशत है? 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़ पर 5% की छूट मिलती है, तो 5/100, 2 0 से 2 0 कैसे 5, फिर तो इस पर 5 लाख रुपए की छूट मिलती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।